अगर जो संविधान की धारा ना होती ना, नीरज शर्मा का तो अब तक 26 जनवरी वाले दिन कत्ल हो लिया होता। और जो सरकार के इरादे थे आप सबने देखे, और बड़े हुड्डा साहब किस तरीके से मुझे चंगुल से छुड़ा के लाए, ये संविधान ही था बाबा साहब का दिया हुआ, जो नीरज शर्मा आपके बीच में जिंदा बैठा है। और बाबा साहब ने संविधान किसके लिए बनाया? जिसके पास ताकत कम हो, जिसके पास साधन कम हो। और हमारी रामायण भी क्या कहती है, प्रियंका दीदी जी ने भी पीछे दिल्ली में भाषण में कहा था कि रावण के पास ही था सब कुछ, राम जी के तो पैरों में जूते चप्पल भी नहीं थे। आज शायद सरकारों की भी स्थिति यही है, रावण रथ बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, नाथ न रथ तन पदपन त्राना, कई विध जीतो वीर बलवाना, सुनऊ सका के कृपा निधाना, जो जय हो सो स्पंदन आना, सौरज धीरज दौरथ चाका, सत्यशील दृढ़ धजा पताका। अपने कलेजे पे हाथ रख के कह देना कि जैसे रामायण के अंदर जब वनवास खत्म हुआ तो के मां मिलने से बड़ी संकुचा रही थी, तो राम जी ने कहा कि मां ये सब कुछ तो मेरा किया हुआ है, आप क्यों परेशान हो रही हो, फिर भी आप कोई वरदान मांगो, आपको वरदान मांगना है तो। के मां ने कहा कि बेटा इस जन्म में तो तूने मुझे सौतेली कहला दिया, अगले जन्म में सौतेली नहीं कहलवाऊंगी, मेरे को तो एक ही वचन दो कि दोबारा जब धरती पे आओ तो मेरे कोख से आना। तो अगला जन्म कृष्ण जी का हुआ, राम जी का, पर राम जी ने एक बात कही कि मां मैं जन्म तो ले लूंगा तेरी कोख से, पर दूध कौशल्या मां का बहुत अच्छा लगा है, दूध नहीं पीऊंगा तुम्हारा, दूध तो कौशल्या मां का पीऊंगा। और कृष्ण जी पैदा कहीं हुए, दूध यशोदा माँ का हुआ, अंत में एक ही बात कहूंगा, मेरी मातृशक्ति बैठी है, अगले जन्म में परमात्मा मौका दे तो बेटा भाई दीपेंद्र सिंह जैसा चाहोगे कि अरविंद शर्मा जैसा चाहोगे, ये सोच के अपने लोकतंत्र का आप प्रयोग कर लेना, इससे बड़ी बात मैं आपसे नहीं कह सकता।